प्रातः क्लास चल रहा था 27 ग्यारह 1967 सोमवार को छठी पीज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जो गायन है कि मिट्टी में मिल जाएगी, ये मिट्टी में सारी दुनिया मिल जाएगी ना। कौन है मिट्टी है? मिट्टी है, परम ब्रह्म ही मिट्टी है। निराकारी स्टेज में नहीं रहती है, उसका रोम रोम जो है वो निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं हो जाता है। मिट्टी कहेंगे देह को, परम ब्रह्म में देवान रहता है। अरे कोई व्यक्ति होगा ना, कौन? जगदम्बा जिसे कहा जाता है। भले जगदम्बा के भी दो रूप हैं, उसमें आत्मा भी है और देह भी है। देह का रूप मिट्टी में मिल जाएगा, है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इसे दिखाते हैं सीता कहां दृश्य हो गई, सीता धरणी में धस गई। तो सीताएं भी तो दो बताई हैं, एक बताई सच्ची सीता सोने की है, लेकिन मेटल तो है। मेटल है या नहीं है? मेटल तो है। तो फिर चैतन्य कौन है? है जिसके लिए बोला कि तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में रहो। तो योग अग्नि में देह रहेगी, आत्मा रहेगी। तो उस आत्मा की तो बात ही नहीं है। भले देह भी होती है, परंतु आत्मिक स्थिति में रह करके देह का सुख भोगने को प्रेफरेंस देती है परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। देती है? नहीं देती। तो प्रेफरेंस कौन देती है? तिरुपति में झगड़ा दिखाते हैं दो माताओं का, एक पद्मावती और दूसरी श्रीदेवी। तो देह का सुख के लिए प्रेफरेंस कौन देती है? कहेंगे पद्मावती। तो वो हुई जगदम्बा कहो या धरणी कहो या मिट्टी कहो, है तो ये सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। माने किस में मिल जाएगी? महाकाली में समा जाएगी। अगर विचार बैठ करके कोई करेंगे तो स्वर्ग, स्वर्ग तो देवी देवताओं का था ना, और वो तो सोने का था, है वो यहां अभी कहां? वो तो गया, अभी तो नहीं है ना। तो जरूर कहेंगे कि मिट्टी में मिल गया। क्या
वो सोने की दुनिया भी क्या हुआ, मिट्टी में मिल गई। पीछे कभी आएंगे क्या? आएंगे नई दुनिया आएगी, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कब आएगी कैसे आएगी, कोई हिसाब नहीं कर सकते। कितना सभी कैसे खलास हो जाएगा और कैसे फिर नई दुनिया बनेगी। और ये रिपीटेशन का राज तो बहुत है बच्चे, जो समझ नहीं सकते हैं बच्चे। बोलते क्या, क्या यही घर रहेगा 5000 साल के बाद? नहीं रहेगा। अच्छा 5000 साल के बाद ये घर नहीं रहेगा, यही रहेगा ना? हम यही आकर के ये सुनेंगे। हाँ, और हम ही होंगे और बाबा भी इसमें ही आएंगे। किसमें? इसमें कह के किस तरफ इशारा किया है? हा, ब्रह्मा बाबा में आएंगे। तो ड्रामा को भी बहुत खबरदारी से समझना चाहिए। हूबहू ड्रामा रिपीट होता है, नहीं होता है? होता है, ड्रामा ड्रामा करके मुझ जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो जिज्ञासु बोलता है, अरे ये तो पता नहीं, ये कोई चरिए लोग हैं, पागल हो गए, ये ड्रामा है क्या? ये चीज टूट फूट जाती है हर एक चीज, देखो कितने हीरे थे जिसका ये पूजन होता था भक्ति मार्ग में। सोमनाथ मंदिर में हीरा लगा हुआ था ना, पूजा करते थे भक्ति मार्ग में, इतने बड़े बड़े हीरे का पूजन होता था। कितने बड़े बड़े हीरे का है? अरे लिंग बनाते थे ना, तो आज की दुनिया में तो पत्थर के लोहे के लिंग बनाते हैं काले काले, और रजत लिंग भी बनाते थे चांदी के है? बनाते थे कि नहीं? हाँ, ताम्र लिंग भी बनाते थे, स्वर्ण लिंग भी बनाते थे, और फिर हीरे का लिंग भी बनाते थे और पूजा करते थे। तो वो कहां गए? अगर भला कट होकर के गए, फिर सारा ही कैसे कट हो जाएगा? तो ये खबरदारी से समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि ये ड्रामा है। अरे ड्रामा देखने जाते हो ना, देखो बड़े बड़े महल होते हैं, लड़ाई लगती है, सारे महल मानिया तोड़ फोड़ देते हैं, खलास कर देते हैं। तो जब भी ना जाओ वहां देखने के लिए, तो फिर वो ही महल कहां से आएंगे वो बताओ? कैसे वो फिर खड़े हो गए है? ड्रामाबाजी करते हैं तो वो ही फिर खड़े हो जाते हैं कि नहीं? दोबारा खेलते हैं, तिबारा खेलते हैं।
तो क्या रोज रोज खड़े हो जाते हैं क्या है? नहीं, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में समझना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। 27/11/1967 की प्रातः क्लास का सातवां पेज। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो ही रिपीट करेंगे ना, या दूसरी चीज रिपीट हो गई? रिपीट का अर्थ क्या है? लिखते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी फिर से फिरेगी। तो जैसे ड्रामा फिर से रिपीट होता है, हूबहू फिरता है, हाँ ये ड्रामा टिक 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 चलती रहती है। क्या घड़ी से मिसाल दिया और वो शो होता रहता है। जैसे घड़ी में शो होता रहता है टाइम है, तैसे ये भी है बेहद का। क्या बेहद का 5000 साल का ड्रामा है। बेहद की टिक 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 जो एक सेकंड, एक एक सेकंड जो जाता है ना, पूछेंगे अभी भाई कितना बजा है, कहेंगे अभी सात में 4 मिनट बाकी है। अभी 4 मिनट पास होगा 7:15, समझा ना? तो दिन गया, टाइम गया, वो गया ना, कमती हो गई। तुम्हारी आयो 3 मिनट कमती हो गई है ना, क्योंकि आयु भी तो गिननी जाती है ना। आज ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आज 15 वर्ष का है, है? कल कोई 15 वर्ष का हो जाएगा। अरे 15 से जरूर 16 होगा, कि वो नीचे थोड़े ही गिरेगा। तो रिपीट होती रहती है। तो अभी इन्हें बेहद की रिपीटिशन को, बेहद ड्रामा को भी बुद्धि में समझना चाहिए। उसमें भी इसमें भी मुझते हैं, बहुत मनुष्य इन विचारों में मुझते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, तो बच्चे इन सब बातों में मुझो नहीं, पहले पहले तो तुम जो बात बोलते हो ना, है बाबा को आकर के कहते हैं, बाबा हमको आकर के पतितों को पावन बनाओ। क्यों आकर के ही पावन बनाएंगे है? बिना आए पावन नहीं बना सकते। अरे पतित बने थे तो पतित बनाने वाले कोई आए थे ना, उनका संग का रंग लगा था ना, तो वो बहुत थे पतित बनाने वाले, उनके संग के रंग से पतित बने। तो अब उल्टा कर दो, ये है एक ऊंचे थे ऊंच, वो आते हैं तो फिर पतितों को पावन बनाते, नंबर वार पुरुषार्थ। तो पहले तो वो बात
पतित से पावन बनने की याद करो, जो प्रिंसिपल बात है, जिसके लिए बुलाते हो है? किसके लिए बुलाते हो कि बाबा आओ हमको गीत ज्ञान सुना करके चले जाओ, नहीं, आओ और पतितों को, हम पतित हैं, पतित को पावन बनाओ। तो उसके लिए बताते हैं कि माम एकम याद करो है, जिसके लिए बुलाते हो। तो बाबा समझाते हैं कि देह और देह के सारे संबंधों को छोड़ करके है, सभी पदार्थों की याद छोड़ करके मुझे एक को याद करो, क्योंकि तुम जब आए थे इस दुनिया में तो नंगे आए थे, शरीर रूपी वस्त्र थोड़े ही लेके आए थे, ये मिट्टी का चोला लेके आए थे नहीं। तो यहां आने के बाद पीछे शरीर में आए, पीछे माने कब, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम आत्मा उतरते हो तो तुम्हारा शरीर तो नहीं था, फिर कोई शरीर में प्रवेश किया ना है? प्रवेश किया, शरीर में आए, ठीक है ना। पीछे तुमने इतने जन्म लिए है, अभी तमो प्रधान हो गए, कैसे जन्म लेते गए, शरीर बदलते गए है, अभी तुमको तमो प्रधान बनना है या सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है, बनना है ना। मूल बात तो फिर ये हुई अच्छा, ये सतो प्रधान की बात हुई, तुम्हें बहुत रास्ता बताता हूं और मोस्ट इजी, क्या करो है, अब ये देह जो धारण की है ना इस दुनिया में आके, क्या करो, अब देह को भूल जाओ है, अपन को आत्मा समझो, और इतना ही नहीं, आत्मा समझ करके आत्मा के बाप को पहचानो। कैसे पहचानेंगे, पहचान दी कि आत्मा ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में है, तो आत्मा के बाप को पहचान लेंगे नहीं, कैसे पहचानेंगे है। हाँ, मुकरर रथ को पहचानेंगे, क्योंकि बाप आते हैं तो जिस तने में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि बाप है ना, बाप को क्या चाहिए है, बाप को बाप ही चाहिए सृष्टि रचने के लिए, मां चाहिए, तो जिस में भी प्रवेश करते हैं नाम रखते हैं ब्रह्मा। वो तो पहले पहले जिस में प्रवेश करते हैं तो एक में प्रवेश करते हैं या दो में करते हैं, एक में, अच्छा जिसे एक में प्रवेश करेंगे वो कैसे जानेगा, जानेगा तो वो भी नहीं जानेगा है, मैं तो बिंदी हूं, जरूर दो चाहिए ना, सृष्टि साकार रचनी है या निराकार, साकार सृष्टि, तो साकार सृष्टि में साकार सृष्टि रचने के लिए साकारी दो होते हैं, स्त्री और पुरुष रूप में कि एक ही होता है, तो मैं एक साथ दोनों में प्रवेश करता हूं, किसमें, एक माता में प्रवेश करता हूं और एक पुरुष तन में प्रवेश करता हूं, किसलिए, ज्ञान सुनाने के लिए,
है ना। तो माता सुनाती है और वो पुरुष सुनता है और उसी समय उसी सेकंड में प्रवेश कर जाता हूं, सुनाने वाले में भी और सुन, एक सुनाएगा दूसरा सुनेगा तो साथ ही साथ काम होगा कि आगे पीछे होगा, साथ ही साथ होगा। तो बताया एक सुनाने वाला और दूसरा सिर्फ सुनने वाला या समझने वाला भी। हाँ, दूसरा जो है सुनता भी है समझता भी है, तो समझ को ज्ञान कहा जाता है। तो जो सिर्फ सुनाता है वो समझता नहीं है, तो ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ, क्या कहेंगे, अज्ञान ही हुआ ना। तो बताया कि मैं बहुत अच्छा रास्ता बताता हूं कि क्या करो, कि मैं जिस तन में मुकर्रर रूप से आता हूं किस लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, और तुम्हारी आत्मा को जन्म देने के लिए। कैसे, तुम आत्मा हो बताऊंगा तभी तो पता चलेगा। हाँ, तो जन्म हुआ ना, पहले तुम जानते थे कि मैं आत्मा हूं नहीं, तो अपन को आत्मा समझो और उस आत्मा के उस बाप को याद करो जिसने तुमको ये बताया क्या कि तुम आत्मा हो, बाप को याद करो। तो वो पहली आत्मा कौन है, जो समझती भी है सुनती भी है और दूसरों को समझाती भी है, क्या कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप भी आत्मा है। बाप को क्यों याद करना है, क्योंकि वो एक ही आत्मा ऐसी है जो सदाशिव है। सदाशिव माने सदा कल्याणकारी है, है? बाकी आत्माएं तो सदा कल्याणकारी हैं क्या, नहीं, सब भोगी आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। तो मेरा विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं तो जिस मुकर्रर रथ में आता हूं सुनने के लिए समझाने समझने के लिए, तो उसको आप समान बना के जाता हूं, है? तो क्या करूं, जिसको आप समान बनाता हूं है तो उसको याद करना पड़े कि नहीं करना पड़े, है? अरे बताओ, हाँ या ना है, हाँ क्यों, वो तो पतित बन जाता है तो उसको याद क्यों करें, है? हाँ, बताया ना मैं आता हूं तो आप समान बना के जाता हूं, मैं ऐसा करूंगा तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे ना, क्या ज्ञान किसी को सुनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको आप समान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बाप है बच्चा पैदा करता है तो बच्चा बाप समान होता है कि नहीं, बड़ा बच्चा, चलो छोटे बच्चे नंबरवार होंगे। तो मैं भी कहता हूं अपन को आत्मा समझ है, ऊंचते ऊंच बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच माने जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिस मुकर्रर रथ में मैं आता हूं उसका भी कोई बाप है तो ऊंचते ऊंच हुआ ना, तो उसको उस मुकर्रर रथ में याद करना पड़े, है ना, क्योंकि वो पतित पावन भी है। भी क्यों लगा दिया है,
बी क्यों लगा दिया? पतित भी है और अब्बल नंबर में पावन भी है। इस मनुष्य सृष्टि के बीच में अब्बल नंबर पार्ट बजाने वाली आत्मा पावन बनती है या नहीं बनती है? पावन बनती है। तो पतित पावन को याद करो है, लेकिन कैसे, कब? तब जबकि मैं बोलता हूं कि कहते हैं देव देव महादेव, देवताओं में महान बड़े से बड़ा देव, परंतु वो पार्ट भी कौन बजाता है उसके द्वारा है? मैं बजाता हूं। तो उस तन में मुकर रथ में मैं पतित पावन हूं ना, तो उसे याद करो। सर्वशक्तिवान भी है, क्योंकि इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में बड़े से बड़ी अथॉरिटी कौन हुआ? वही हुआ ना, है? इसे कहा जाता है विश्व पिता जगन्नाथ, बड़े से बड़ी अथॉरिटी हुआ ना, विश्व का मालिक। कुछ गीता शास्त्र का भी तो अथॉरिटी है ना बच्ची, है? और गीता शास्त्र का ही अथॉरिटी है कि जो भी गीता के ऊपर शास्त्र लिखे गए, टीका टिप्पणी लिखी गई, उन सब की अथॉरिटी है। सबकी अथॉरिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर कैसे समझाएगा उन शास्त्रवादियों को? अगर खुद अथॉरिटी नहीं बनेगा तो उनको कैसे समझाएगा? समझाएगा ना, है? तो गीता शास्त्रों की भी अथॉरिटी है, भी क्यों लगा दिया है? कि बाप जो गीता सुनाते हैं, गीता ज्ञान, उसकी भी वो अथॉरिटी बनता है या नहीं बनता है? उसकी भी अथॉरिटी, और जो मनुष्यों ने शास्त्र लिखे हैं उनकी भी अथॉरिटी, तो सब बता देते हैं ना। क्या सब है? कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान क्या सुनाते हैं, और ये इस दुनिया के मनुष्य गुरु शास्त्रवादी क्या सुनाते हैं? सच्चा कौन है और झूठा कौन? सच्चा कौन सुनाता और झूठ कौन सुनाते? सब बता देते। ऐसा कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं होगा अथॉरिटी, जो वो कहेंगे, क्या कहेंगे? ये यज्ञ तप दान पुण्य शास्त्र मंदिर मस्जिद भक्ति मार्ग की सब अथॉरिटी है, है? ज्ञान मार्ग के नहीं है ये सब। जैसे भक्ति 2500 साल से उतरती चली आई है, अरे ऐसे ये सब उतरने वाले और उतारने वाले दूसरों को, इनके संग के रंग से क्या हुआ? नीचे उतरे ना, ये सब उतरने की मार्ग है। देखो इस सृष्टि में जब से मनुष्य आत्माएं या देव आत्माएं आई है, तो कलाएं कम होती गई या चढ़ती गई? कलाएं कम होती गई। ऐसा कोई होगा भगत है, किसको कहें? कलाएं कम होती हैं तो फट से छोड़ देते हैं। अगर ये देवताओं को पता चले स्वर्ग में है कि कलाएं कम हो रही हैं, तो क्या करेंगे? चिंता लगेगी कि नहीं? चिंता लग जाएगी। अच्छा फिर क्या करें? अरे कलाएं ऊंची कैसे जावे? तो बेचारे वो भगत कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना? तुम विचार करेंगे ना बच्चे,
तो सिवाय तुम बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे सिवाय कभी भी ये बातें कोई समझा ही नहीं सकेंगे है? और तुम भी एक जैसा नहीं समझा सकेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकेंगे तो पद भी माला में नंबर भी है नंबरवार बन जाएंगे। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। कौन से ब्राह्मण? वो दुनिया भी ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण भी नहीं है जो अधोमुखी ब्रह्मा के बच्चे हैं, कुकवंशावली है। तुम ब्राह्मण हो, मैं तुमको सुनाता हूं। इनको इनको माने किनको? ऐसे ब्रह्मा को भी नहीं सुनाता, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं सुनाता। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, बाबा ने कहा है ना, सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो तुम सब, न ये और न इनके सब फॉलोअर्स। और दुनिया वाले तो ब्रह्मा को जानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा। कहते तो ये भी है, ब्रह्मा कहाँ है? इनसे पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ चला गया? 69 में शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी, तो कहाँ गया? तो कहेंगे सूक्ष्म बतन वाला है, क्योंकि वो ब्राह्मण ये जानते हैं इस नॉलेज को है। हाँ, ये शूद्र और न देवता जानते हैं, क्योंकि बस ये ब्राह्मणों ने सुना है, क्योंकि संगम है ना। किसका संगम? शूद्रों का और ब्राह्मणों का। शूद्र क्षुद्र माने नीच ते नीच, और ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण? नौकुरी के ब्राह्मण नहीं, ऊंचते ऊंच कुरी का सूर्यवंशी ब्राह्मण। तो बताया सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, और वो अपन को थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कहते हैं वो नहीं कहते। तो वो ब्राह्मण न जानते हैं इस नॉलेज को, न शूद्र जानते न देवता जानते, क्योंकि बस ब्राह्मणों ने सुना, क्योंकि संगम युग है इसके और चोटी का संगम है। किसका किसका संगम? ब्राह्मणों में भी जो चोटी का ब्राह्मण, चोटी सबसे ऊंची होती है शरीर में, सबसे ऊपर होती है कि बीच में है या नीचे होती है? नहीं, सबसे ऊपर। तो ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, इसमें सबसे ऊंची चोटी है, उसमें कौन है, कौन बैठा हुआ है? जाड़ के चित्र में तुमने देखा ना, कौन बैठा है? अरे कोई बैठा है कि नहीं, भूल गए, कौन है? हाँ, शंकर बैठा हुआ है। तो वो तो समझते हैं कि शंकर और शिव एक है। बाप समझाते हैं शंकर तो देवता है, हैं? और उसको सदा शिव थोड़े ही कहेंगे। शंकर को शिव नेत्र दिखाते हैं, लेकिन वो सदा सदा नेत्र वो खुला रहता है क्या? खड़ा रहता है? कहते हैं शंकर आंख खोलेगा तो विनाश करा देगा। तो आंख बंद होती है ना? नहीं होती, बंद होती। और वास्तव में जिसे शिव कहा जाता है, वो शिव तो वो आत्मा है जो सदा शिव है। क्या? सदा कल्याणकारी है, या कभी हाय दैया तो वह मचवाने वाली अकल्याणकारी? विनाश होगा तो हाय दैया तो वह मचेगी कि नहीं?
तो पक्का समझ लो, न इस दुनिया के शूद्र और न उस दुनिया के देवता हैं, क्योंकि बस तुम ब्राह्मणों ने सुना और तुम ब्राह्मण हैं। वो जानते हो कि ब्राह्मणों के पीछे हम ट्रांसफर हो जाएंगे, है? कौन हम? कौन से ब्राह्मण? नौकुरियों में से नीची कुरी के ब्राह्मण नहीं, ऊंचते ऊंच सूर्यवंशी ब्राह्मण हम ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया में, अगले जन्म में या इसी जन्म में। हा, इसी जन्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना? अभी हम संगम पर हैं। संगम माने मेल हो रहा है, कलयुग का भी मेल है और झूठ गंड का भी, और सच्ची सच्ची बात बाप सुनाई रहे। तो सच्चों में भी सच और झूठों में भी झूठ कोई होगा ना, है? कौन? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, जिस मुकर्र रथ में मैं आता हूं, वो सच में सच भी है और झूठ में झूठ भी है, सत्य भी है तो असत्य भी है, और वो असत्य वालों का भी झूठों का भी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कि नीचे या बीच में? नीचे नहीं, नीचे ते नीचे में भी सबसे ऊंच, और ऊंचे ते ऊंच में भी सबसे ऊंच, सच्चे में भी ऊंच और झूठ में भी ऊंच, तो चोटी है उसके पीछे हम ट्रांसफर हो जाएंगे। कब? नई दुनिया में तब ट्रांसफर हो जाएंगे जब वो सच में सच ऊंचते ऊंच चोटी संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये है ब्राह्मण चोटी ब्राह्मणों में। क्या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो हैं, वो तो नंबरवार 9-10 धर्म है उनमें कन्वर्ट होने वाले हैं, तो नंबरवार ही होंगे, लेकिन ये तो ऊंचे ते ऊंचे हैं, है? लास्ट जन्म में जाकर के ये पतित बनता है, और पतित भी कैसा? सबसे जास्ती पतित बनता है कि नंबरवार पतित बनता है, है? 100% सबसे जास्ती पतित। तो ये पतित पावन का मेल है और चोटी भी है ऊंच ते ऊंच। तो जब ये सच की चोटी बनेगा, जो सच सच बचेंगे ना इस दुनिया में, कि झूठे भी बचेंगे, है? झूठ खलास हो जाएंगे और सच 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 रह जाएंगे, तो पीछे हम ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया। सो तो तुम जानते हो कि जो अमर दुनिया बनेगी, अमरनाथ कथा सुनाते हैं, है? उससे तुम अमर बनते हो, तो हम सब जो भी हैं, है, सभी क्या हैं? अमरनाथ से अमर कथा सुनने वाली क्या है? अरे किसका गायन है शास्त्रों में, है? अरे फटाक से नहीं लिखते, पार्वतियां हैं नंबर वार, क्या है? हा तो कोई अव्वल नंबर पार्वती भी होगी कि नहीं होगी? पार लगाने वाली पार्वतियों में अव्वल नंबर चोटी की पार्वती होगी या नहीं होगी? होगी। तो पुरुष चोले में होगी कि स्त्री चोले में होगी? चोला तो स्त्री चोला होगा ना, है ना? लेकिन मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको सच में सच सबसे ऊंच बनाता हूं कि और को भी नंबर वार बना देता हूं? चोटी तो एक ही बनता है, ऐसी चोटी है
कि सारी दुनिया में जलमयी होगी लेकिन वो चोटी जलमयी में डूबेगी नहीं। उसकी यादगार क्या है? अरे हिमालय पर्वत है, माउंट आबू, माउंट आबू सबसे ऊंचा है। अच्छा है, क्या बताया? एवरेस्ट चोटी। हाँ, तो बताया एवरेस्ट चोटी का मतलब क्या हुआ? एवरेस्ट पूर्वी सभ्यता में जहां से सूर्य निकलता है जिस आधार पर कहा जाता है एवरेस्ट। तो संसार में इस संसार में 500-700 करोड़ की दुनिया जो है उसके बीच है, पहले पहले कौन प्रत्यक्ष होगा सूर्य के रूप में, जिसको शास्त्रों में नाम दिया है विवस्वत। कौन प्रत्यक्ष होगा? है वो ही प्रत्यक्ष होगा। तो उसने अमर कथा पहले सुनी कि कोई दूसरे ने सुनी? स्त्री चोला वाले ने नहीं, उसने पहले सुनी। तो तुम सब पार्वतियां हो, तो क्या ये कहा कि तुम सब पार्वतियों में से एक को छोड़ करके? नहीं, सब पार्वतियां हो माने 500-700 करोड़ ए टू जेड है, जो हीरो पार्टधारी है उससे लेकर के 500-700 करोड़ में जो भी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि की, सब नंबरवार पार लगाने वाली कोई न कोई को पार लगाने वाली है कि नहीं? पार्वतियां। तो पार्वतियों को अमर कथा सुनाई ना, किसने सुनाई? जो अव्वल नंबर एवरेस्ट चोटी है उसको किसने सुनाई? है कोई सुनाने वाला कोई दूसरा था? नहीं है? शिव बाप ने प्रवेश करके सुनाई, इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है क्या, मैं प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य भी हूं। ऐसे नहीं सुनाने के लिए कोई दूसरा चाहिए, जैसे यज्ञ के आदि में है दादा लेखराज के साक्षात्कारों को किससे सुना? कोई से सुना या अपने आप सुन लिया? हाँ, भारत माता से सुना, भारत माता से। अरे माता से सुना? अरे माताएं तो अनेक, कौन सी माता से सुना? जो सारे जगत की माता है उस माता से सुना। तो बताया, तो तुम सब पार्वतियां हो, ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम सब सीताएं हो और राम एक है। सीताओं के साथ राम लगाते हैं कि नहीं? राम एक है और तुम सब सीताओं को रावण क्या करता है? रावण क्या करता है? हरण करके ले जाता है। राम को भी हरण करके ले जाता है, राम को ले जाता है। अरे राम युद्ध करता है रावण से कि हरण करके ले जाता है? नहीं, राम को नहीं ले जाता। तो राम है एक और तुम सब सीता है। बाकी ऐसे नहीं कहा तुम सब पार्वतियां हो है? और ये कहा हो कि शंकर है एक, ऐसे कहा नहीं? पार्वती के साथ शंकर नहीं लगाया, क्योंकि बाप कहते हैं शंकर को जनेऊ दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण हुआ ना है? तो सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो के शंकर पार्वती आपस में पति पत्नी हो क्या हो? अरे भाई भाई हो कि भाई बहन हो? पार्वती तो स्त्री चोले वाली, तो भाई बहन हुए ना। तो शंकर पार्वती को भी क्या नहीं कहेंगे? स्त्री पुरुष पति पत्नी नहीं कहेंगे। बाकी कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो है? तुम सब द्रौपदियां हो का मतलब क्या हुआ है? ये भी कहते हैं द्रौपदियां हो, तुम सब दुर्योधन दुशासन हो, ऐसे कहते हैं है? अरे दुर्योधन दुशासन पुरुषों को बताया कि कन्या माताओं को भी बताया?
हाँ ये बताए, कोई कोई कन्याएं माताएं होती है सुपनखा पूतना जैसी, जो विषय बिगर रह नहीं सकती, लड़ाई लड़ाई बगैर रह नहीं सकती। तो बताया कि तुम सब द्रौपदियां तो हो है? लेकिन ये नहीं कहा कि तुम सब दुर्योधन दुशासन, द्रौपदियां वो दुशासन है सब। कौन वो? पुरुष चोले में, उसमें नहीं कहा क्या कि कोई कोई दुर्योधन दुशासन नहीं है, कोई देवताएं हैं? कहा ए टू जेड, चाहे वो ब्रह्मा के रूप में पुरुष हो, चाहे वो शंकर के रूप में पुरुष हो, क्या है सब इस दुनिया में, सब क्या है, द्रौपदियां हैं या दुर्योधन दुशासन? वो पुरुष चोले में सब सब दुर्योधन दुशासन है, समझा ना? तो वो सब दुशासन थे और तुम द्रौपदियां थी, कोई एक को थोड़े ही बैठ करके कहा, अरे चीड़ बढ़ाया ऐसे ऐसे करके 21 जन्म का, तो कोई एक का ही चीड़ बढ़ाया होगा क्या? हाँ, तो देखो 21 बोलते हैं ना, 21 साड़ी माना 21 जनरेशन में 21 साड़ियां दी जहां तुम नगन नहीं होते। तो मनुष्य कोई जनरेशन का अर्थ थोड़े ही समझते हैं, नहीं, जनरेशन माना ही पीढ़ी दर पीढ़ी है। 21 पीढ़ी यानी जब बुढ़ा होगा ना पूरा, क्योंकि तुम तो अरब अमर बनते हो है, और तुम तो काल पर जीत पाए रहे हो, तो तुम्हारे को काल नहीं खाएगा, जो तुमको भयभीत होना पड़े, नहीं तो मृत्यु से सब परेशान होते हैं ना। हा, कोई चाहता कि हमारी मृत्यु हो जाए? नहीं, काल नहीं खाएगा है, आएगा ही नहीं काल वहां। क्या काल कहां आता है, और काल किसको खाता है? काल शरीर को खाता है। तो बाबा ने उसके ऊपर भी कथा सुनाई कि किसी ने पूछा, पहले सुख भोगेंगे या पहले दुख भोगेंगे है? पहले क्या चाहिए? हाँ, तो ये कथा बताई हुई बनाई हुई है दिखलाने के लिए कि जब सुख में कोई बैठा हुआ है तो फिर काल अंदर नहीं आ सकता सुख की दुनिया में। तो उसके लिए भी एक कथा ही बनाई हुई है, क्या कि वो पूछा पहले सुख देखेंगे या दुख देखेंगे? अभी ऐसे तो सुख दुख नहीं देख सकते हो ना, कि सुख ही सुख देखो, वो तो पढ़ाई की लंबी चौड़ी बात है। तो ये बैठ करके बातें कथा कहानियां यहां बनाई है। तभी बाबा ने कहा था ना, ये कथा कहानियां किसने बनाई है? ये सभी सीता की कहानी, द्रौपदी की कहानी, पार्वती की कहानी, ये किसने बनाई है? अरे मुख्य तो नाम किसका लेते हैं है? किसका नाम लेते हैं है? ये व्यास का नाम लेते हैं और कहते हैं व्यास भगवान।
बड़ी भगवान ऐसी कथाएं झूठी झूठी बैठ करके कैसे सुनाएंगे पढ़ाएंगे? नहीं, परंतु ये बनी हुई तो है। इन कथाओं को कोई ड्रामा में कि फिराए दे निकाल दे ये तो हो ही नहीं सकता है। यही कथा कहानियां झूठी शास्त्रों की ये फिर तुम शुरू करेंगे। क्या कहा? अभी व्यास का नाम लिया, फिर अभी किसका नाम ले दिया? तुम, माने तुम्हें ही नंबरवार ये कथा कहानियां झूठी झूठी लिखना शुरू करेंगे। 27/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। ये गीता, यही गीता फिर पढ़ेंगे। कौन सी? श्री कृष्ण भगवान वाच वाली। तुम ऐसे कभी नहीं फिर पढ़ेंगे कोई गीता शिव भगवान वाच भक्ति मार्ग में। पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, इम्पॉसिबल। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, समझा ना? वो सभी बातें समझाते रहते हैं ना बच्चों को कि मैं सब जो भी ये शास्त्र बीत गए बन करके खत्म हुए होने वाले हैं ये सब भक्ति मार्ग, फिर ज्ञान मार्ग ही चलेगा है? फिर ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो जाएगा। बस यही तुम साधुओं को जाकर के पूछेंगे ना, वो भी ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या ज्ञान भक्ति और वैराग्य, क्या क्या मतलब हुआ इसका? वो तो इस हिसाब से बताते हैं, पहले ज्ञान फिर भक्ति फिर वैराग्य। मन झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं? सही बोलते हैं ना। पहले ज्ञान की प्रारब्ध स्वर्ग में सुख भोगते हो, फिर भक्ति की प्रारब्ध दुर्गति नीचे गिरते हो, दुख भोगते हो, फिर जब मैं आता हूं तो क्या करता हूं? देवताओं के सुख को भी छोड़ो, ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगेंगे वो भी नहीं है, वो भी नहीं भोगेंगे। और भक्ति, भक्ति में क्या करते हैं है? क्या करते हैं? कौन सा सुख भोगते हैं? व्यभिचारी सुख भोगते हैं। तो वो सब अनेकों को याद करना, अनेकों से सुख भोगना, अनेकों से संबंध जोड़ना इंद्रियों के, वो सब छोड़ो है, क्या करो? बैरा, इन सबसे विपरीत राग, राग माने प्यार, इन सब से प्रीति छोड़ दो। न स्वर्ग के सुख लेना है न नरक के सुख लेना। कहां का सुख, कहां जाना है? शांति धाम जाना। तो बैरागी हुए कि नहीं? इस दुनिया को छोड़ा, इस दुनिया के सुखों को भी छोड़ा, दुखों को भी छोड़ा, तो क्या हुए है? बैरागी सन्यासी। इसलिए वो कहते हैं पहले ज्ञान फिर भक्ति फिर इस सृष्टि के अंत में इस सारी दुनिया से बैराग। अपन को आत्मा समझो, देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, देह के पदार्थों को भूलो, इस सारी दुनिया को भूलो। कहां जाना है? है आत्मलोक में जाना है। वहां न देह होगी, न देह के संबंधी होंगे, न देह के पदार्थ होंगे। होंगे नहीं? तो फिर साधुओं को भी जाकर के पूछेंगे ना, वो भी ऐसे ही कहते रहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। फिर बताओ ये ज्ञान और भक्ति कहां जाएगी है? अरे ज्ञान का भी वैराग्य, ये ज्ञान रहेगा नहीं दुनिया में,
रहेगा, लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। और भक्ति? भक्ति तो तुम यहां ही छोड़ देंगे। कहां जाएगी? खलास, मुर्दाबाद। और फिर दोनों खलास, दोनों को छोड़ दिया तो वैराग आ गया। नई दुनिया से भी वैराग और पुरानी दुनिया से भी वैराग। किसको? उन कमकुरी वाले ब्राह्मणों के लिए नहीं कहते हैं, तुम्हारे लिए कहते हैं। क्या? क्या कि न स्वर्ग के सुख चाहिए, 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण, और ये नरक की दुनिया का न दुख चाहिए। क्या चाहिए है? फिर क्या चाहिए? कलाती, 16 कलाओं से भी ऊपर, इंद्रियातीत, इंद्रियों के सुख से भी अतीत का सुख, आत्मा का सुख। तो ये जो भक्ति है ना, देह की भक्ति करते हैं, है मूर्तियों की भक्ति करते हैं, पुरानी दुनिया भाई उनका सबका संन्यास। तो देखो अब तुम सच्चा सच्चा संन्यास कर रहे हो ना। क्या सच्चा सच्चा संन्यास? क्या है? बेहद का संन्यास। क्या रहते इसी दुनिया में, देह और देह के संबंधियों के साथ ही रहते कि छोड़ देते? देह के पदार्थों की दुनिया में ही रहते, लेकिन क्या करते फिर? मन बुद्धि से उनको सबको याद ही नहीं करते। तो सन्यासी हुए ना? कौन? तुम आत्मा। आत्मा माने मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, वो न देह को याद करे, न देह के संबंधियों को, न देह के पदार्थों को, न इस देह की दुनिया को याद करे। सारी पुरानी दुनिया का संन्यास। ओह,